व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, साजिदा मुजीब का सलाम। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गुड़ की चाय बनाना। ये ज़ुकाम और बुखार की वजह से अगर ये पियेंगे तो बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएगा। आइए देखते हैं ये टी, ये चाय मैंने किस तरह से बनाई है। यह है, यह है मेरे पास एक कप दूध और यह है एक अदद छोटी इलायची और ये है मेरे पास गुड़ का एक टुकड़ा। ये गुड़ के साथ मैं आपको चाय बनाना सिखा रही हूँ। यहाँ पर है मेरे पास हाफ कप पानी। सबसे पहले ये हाफ कप पानी पानी को डाल दिया और आंच को मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, लो आंच पे बना रही हूँ और ये गुड़ डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे पिघल जाए। ये डाल रही हूँ छोटी इलायची एक अदद, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये खोल के डालेंगे दाने ताकि ये इस गुड़ के साथ जेजेरी के साथ बॉयल हो जाए पानी में। अब मैंने यहाँ पे रखा है ये चाय की पत्ती हाफ टीस्पून। ये चाय की पत्ती इसमें डाल देंगे। अब इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे ये बॉयल हो जाए। ये देखिए बॉयल हो रही है, इसके अंदर जो मैंने गुड़ डाला था ये भी पिघल रहा है इसके साथ। व्यूअर्स ये जो मैं चाय बना रही हूँ, ये अगर आपको खांसी और फ्लू हो रहा हो तो इसमें ये पीने के साथ वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये एक कप दूध, अब इसको भी इसके साथ बॉयल करेंगे। ये देखिए इसको बॉयल आ रहा है, इसको 5 मिनट के लिए यहाँ पे पकाएंगे। इसको अच्छा सा बॉयल आ जाए, आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है। इसको मिक्स कीजिए अच्छे से, अच्छा सा बॉयल आना चाहिए। ये देखिए इसको अच्छा सा बॉयल आ रहा है। व्हील्स ये देखिए, अब इसका चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद और अब इसको डिश आउट करूँगी। अब इसको कप में निकाल दूँगी। व्यूअर्स ये गुड़ की चाय कफ रेमेडी, ये टी मैंने बनाई है। ये अगर आप पियेंगे तो आपको ये जो खांसी और ज़ुकाम हो रहा है आजकल जो सीज़न है ये बिल्कुल ही ख़त्म इस चाय पीने से हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साजिदा मुजीब को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।